अगर स्कैम की बात करें तो आए दिन हमेशा स्कैम होती रहती है। आए दिन आपको न्यूज़ में कुछ ना कुछ स्कैम देखने को मिलेगा। फिलहाल मैंने भी अपने चैनल पे बहुत सारे स्कैम रिलेटेड वीडियोस बनाए हैं। जैसे जैसे दुनिया डिजिटल हो रही है, वैसे वैसे स्कैमर्स का दिमाग भी डिजिटल हो रहा है। मतलब मान के चलो, पहले चोर होते थे, फिजिकली कोई चीज चोरी करते थे, आजकल क्या होता है, डिजिटली कोई चीज को चोरी कर रहे हैं। मतलब चोर भी एक स्टेप आगे बढ़ चुके हैं इन सब चीजों में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले लेटेस्ट जो स्कैम अभी सुनने मिल रहा है आपको, सिम स्वैप स्कैम। ये स्कैम क्या है, आपको रिसेंटली बहुत सारे न्यूज पढ़ा गया, तो बहुत सारे शॉर्ट्स वगैरह आपने देखा होगा जिसमें आपके फोन पे मिस कॉल आ रही है, उसमें अगर आप रिटर्न कॉल बैक करते हो तो आपके अकाउंट से पूरी पैसा खाली हो रही है। चौंकाने वाली बात है ना, बिल्कुल चौंकाने वाली बात है, ऐसा कैसे हो सकता है। फिलहाल मेरे भी दिमाग में पहला आया, बट रिसेंटली एबीपी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है जिसमें लिखा हुआ था, एक वकील था जिसका 3 मिस कॉल आया था, जिसके बाद उसने क्या किया, उसको रिटर्न कॉल बैक किया। तो जब रिटर्न कॉल बैक किया तो वो जो आदमी है उसने अपने डिलीवरी एजेंट बताया। डिलीवरी एजेंट बताने के बाद उसने क्या किया, वकील से सारे डिटेल्स ले लिया, उसका एड्रेस वगैरह सारे डिटेल्स ले लिया, और कुछ ही समय बाद उसके मोबाइल पे एक नोटिफिकेशन आया कि आपके अकाउंट से इतने पैसा निकल चुका है। एंड इसमें सबसे चौंकाने वाला बात यह थी कि उसने कोई भी अपना ओटीपी या तो कोई भी अकाउंट डिटेल्स वगैरह कुछ भी शेयर नहीं किया था, फिर भी उसके अकाउंट से पैसा निकल चुका था। हाउ इज दिस पॉसिबल? सो इसी चीज को इस वीडियो में हम लोग डिटेल से जानने वाले हैं, तो वीडियो में शुरू से लास्ट तक जरूर बने रहना। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने रिलेटिव्स के पास भी जरूर शेयर कर देना, और हाँ, अगर चैनल पर नया तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरह स्कैम रिलेटेड वीडियो हमेशा मैं इस चैनल पर डालते रहता हूं। सबसे पहले बात करें हम लोग स्कैम है क्या, सिम स्वैप स्कैम इट मींस क्या हो रहा है। सिम स्वैप मतलब समझ पा रहे हो, एक ही नंबर पर दूसरा सिम को ले लेना। ऐसा हम लोग भी खुद करते हैं। मान के चलो रिसेंटली मेरे साथ हुआ, मेरा क्या होता, मोबाइल खो गया था, जिसका नुकसान उसमें सिम डाला हुआ था, तो सिम भी खो गया, तो मैंने क्या किया, तुरंत जाके सिम को नया सिम अपने नाम पे करा लिया। कैसे कराया, मैंने अपना आधार कार्ड डिटेल्स वगैरह दिया, जो कि सिम पहले वाला सिम मेरे नाम पे था, तो मैंने क्या किया, जो भी सिम सेलर है, जो भी सिम वगैरह बेचते हैं, जो भी दुकान में आपको जाते हो सिम वगैरह खरीदने के लिए, उनके पास आपको जाना है, आपको अपना आधार कार्ड डिटेल्स वगैरह देना है, तुरंत आपको उसी नंबर पर नया सिम मिल जाएगा। सो यही चीज का फायदा उठा रहे हैं जो भी स्कैमर से। वो क्या कर रहे हैं, आपको आपको मिस कॉल मार के या कॉल मार के कुछ भी करके छोड़ रहे हैं, आप उनसे बात कर रहे हैं और वो आपका डिटेल्स ले रहे हैं। डिटेल्स मतलब क्या हो रहा है, आपका आधार कार्ड वगैरह ले रहे हैं, या तो आपका एड्रेस वगैरह ले रहे हैं, क्या एड्रेस है। कभी कभी ऐसा होता था, आपको पता होगा, जैसे मान के चलो आपका सिम कभी खो जाता था, तो आप नया सिम एक्टिवेट करने के लिए क्या करते थे, कस्टमर केयर को कॉल करना पड़ता था, उनको अपना सारे डिटेल्स हुबहू जैसे आधार कार्ड में डिटेल्स दिया, सेम डिटेल्स आपको हुबहू बताना पड़ता था, तभी जाकर सिम एक्टिवेट होता था या तो दूसरे सिम आपको मिलता था। सेम चीज यही चीज ये लोग कर रहे हैं, आपसे एड्रेस ले रहे हैं, एड्रेस पूछने के बाद आपको उसी नंबर पे, मतलब आपके नंबर पे वो अपना सिम ले रहे हैं। और अब क्या हो रहा है, सिम लेने के बाद जब भी फोन पे या तो गूगल पे कुछ भी ट्रांजेक्शन कर रहे हो लोग, तो जो ओटीपी चाहिए होता है पैसा निकालने के लिए, एक ओटीपी आता है, तो आपके नंबर पे ना आके उनके नंबर पे ओटीपी चला जा रहा है, जिसका उसको ओटीपी पता चल जा रहा है, आपके मोबाइल पे ओटीपी आ भी नहीं रहे हैं, वो ओटीपी डालकर वो आपके अकाउंट से पैसे को खाली कर ले रहे हैं। और ये सब करना आज के जमाने में कुछ मतलब हार्ड काम नहीं है, बहुत ही इजी काम है। बहुत सारे ऐसे टेलीकॉम कंपनी है जो बिना उतनी ज्यादा डिटेल्स के आपको सिम वगैरह प्रोवाइड कर देता है, तो यही सब चीज का फायदा वो लोग उठाते हैं। और सिम स्वैपिंग करने के बाद आपको पूरी तरह से लूट लिया जाता है। आप तो कहोगे मैं तो पूरा सिक्योर हूँ, मैंने कोई ओटीपी साझा नहीं किया, मैंने अपना बैंक डिटेल्स वगैरह कुछ नहीं दिया, फिर भी कैसे कर सकता है, तो इस टाइप का स्कैम हो सकता है। तो अब बात करते हैं हम लोग इससे बचा कैसे जा सकता है। सबसे पहली बात, अगर आपको कोई अननोन पर्सन, अननोन नंबर से कॉल आ रहा है जिसको आप पहचानते नहीं हो, जानते नहीं हो, चाहे वो डिलीवरी एजेंट हो, चाहे वो कुछ भी हो, घर का कुछ काम के लिए आ रहा, कुछ भी कर रहा है, मतलब आप उसको पहचानते नहीं हो, तो अपना डिटेल्स उनको साझा नहीं करना चाहिए। अगर डिलीवरी एजेंट वाले ही बनकर ज्यादा ऐसा कॉल क्यों कर रहे हैं, ताकि वो अगर बताएगा मैं डिलीवरी एजेंट हूं तो क्या करोगे, आप अपना सारा डिटेल्स उनको दे दोगे, बट ऐसा नहीं होता। ये चीज जान करोगे, जो भी डिलीवरी एजेंट होता है उनके पास पहले से आपका सारा डिटेल्स रहता है। मान के चलो मैंने कोई सामान अमेजन से परचेस किया है या तो फ्लिपकार्ट से परचेस किया है, तो अमेजन या फ्लिपकार्ट पे मेरा डिलीवरी एड्रेस रहता है, तो जो भी कोरियर वाले होते हैं वो डिलीवरी एड्रेस पे ऑटोमेटिक से पहुंचते हैं, क्योंकि उनके पास एड्रेस दिया हो रहता है। या तो कभी वो कॉल करते हैं थोड़ी बहुत मोहल्ला जानने के लिए कौन सा जगह एग्जैक्ट है, तो अगर उस टाइप का भी आपके पास फोन आए, अगर आपने कोई चीज परचेस किया है, मान के चलो अमेजन से या फ्लिपकार्ट से मैंने कोई चीज परचेस किया है, वहां पर एक दिखाता है मेरा ट्रैक ऑर्डर, उस ऑर्डर ट्रैक से ही पता चल जाता है कि हाँ आज मेरे घर में ये जो प्रोडक्ट है वो डिलीवरी होने वाली है। तो अगर आज ही आपके पास कोई डिलीवरी एजेंट का कॉल आया, तब उसको आप डिटेल्स बता सकते हो, क्योंकि आपको पता है मैंने सामान परचेस किया था और आज मेरे घर को डिलीवरी होने वाली है। तो यानी हो सकता है उनको थोड़ा बहुत गली मोहल्ला खोजने में प्रॉब्लम हो रही होगा, तब उनको एड्रेस बता दो। बट अगर आपने कोई सामान ऑर्डर नहीं किया है, कोई सामान परचेज नहीं किया है, और अगर आपके पास डिलीवरी एजेंट वाले का फोन आता है कि आपका ये सामान है कहाँ पर देना है, तो आप उनको बिल्कुल भी अपना एड्रेस साझा मत करो। साथ ही साथ अगर आपके पास ऐसा भी कोई फोन आता है जिसमें कोई कहेगा, मान के चलो आप जियो सिम यूज करते हो, तो अगर बोलेगा मैं जियो कस्टमर केयर से बात कर रहा हूँ, आपका ये डिटेल्स बता दो, तो आपको बिल्कुल नहीं बताना है। अगर आपका कोई बोले मैं एयरटेल से बात कर रहा हूँ, आपका ये डिटेल्स बताओ, तो आपको नहीं बताना है, क्योंकि उन लोगों के पास ऑलरेडी आपका डिटेल्स रहता है। ऐसा कोई भी कॉल कभी भी नहीं आता, ना ही बैंक की तरफ से आता है, ना ही टेलीकॉम कंपनी वाले की तरफ से आता है कि आपका डिटेल्स वो मांगे और आपको डिटेल्स दो, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर कोई डिटेल्स मांग रहा है तो तुरंत उस नंबर को काटो, ब्लॉक करो, या तो जो भी आपका FIR वगैरह भी करना तो कर सकते हो, बाकी FIR का कुछ फायदा होता नहीं, क्योंकि वो लोग नंबर वगैरह चेंज करते रहते हैं। इसके साथ ही सिम पे
लॉक लगा के भी रख सकते हो आप। बहुत कोई इस चीज को डरते हैं, बट सिम कार्ड पे भी लॉक लगता है, आपको पता होगा। सिम कार्ड मैनेजर पर आके देखो, वहां पर आप पासवर्ड सेट कर सकते हो कि अगर मान के चलो उस सिम, अगर आप वही नंबर पे दूसरा सिम भी लेते हो तो भी आप जैसे उसको डाल के स्विच ऑन करोगे, मोबाइल को अपना डिवाइस को ऑन करोगे, तो वो पासवर्ड मांगेगा। जब तक वो पासवर्ड नहीं दोगे आप, तब तक सिम मतलब तब तक उसका फोन ओपन नहीं होगा, सिम का कुछ भी चीज एक्टिवेट नहीं कर पाएगा। ये चीज भी होता है, तो ये चीज भी आप देख के रख सकते हो। और साथ ही एक चीज मैं हमेशा आपको बताना चाहूंगा कि आप आजकल क्या करो ना, ऑनलाइन जो बैंकिंग सर्विस है उसको जरूर लेके रखो। मेरा भी ऑनलाइन बैंकिंग सर्विस लिया हुआ, बहुत किसी का लिया हुआ था, बट बहुत कोई ऑनलाइन बैंकिंग सर्विस नहीं लेते हैं, फोन पे गूगल पे ही यूज करते हैं। फोन पे गूगल पे अलग चीज हो गया, नेट बैंकिंग अलग चीज हो गया। आपको नेट बैंकिंग हमेशा एक्टिवेट करा कर रखना चाहिए। उससे क्या होता है ना, नेट बैंकिंग में एक ऑप्शन रहता है टू स्टेप वेरिफिकेशन का, मतलब मान के चलो अगर आप पैसा निकाल भी रहे हो तो भी टू स्टेप वेरिफिकेशन होगा। जब तक आप यहाँ से ऑन नहीं करोगे तब तक वो पैसा निकलेगा नहीं, ये चीज भी हो सकता है। ये चीज भी आप कर रख सकते हो। जो भी आपका जिस भी बैंक का आप यूज करते हो वहां पर जाके आप देखो, साइट में सेटिंग में आपको मिल जाएगा वो चीज, तो उसको भी आप ऑन करके रख सकते हो। जिससे क्या होगा, अगर मान के चलो कोई चीज आपको गलती से शेयर हो जाता है, उसके बाद अगर वो लोग पैसा निकालने की कोशिश भी करते हैं, फिर भी टू स्टेप वेरिफिकेशन के कारण वो लोग नहीं निकाल पाए। एक तो पहला वेरिफिकेशन ओटीपी आता है, ओटीपी लोगों ने डाल दिया, फिर भी एक टू स्टेप वेरिफिकेशन आता है, उसमें जब तक क्लिक नहीं होगा तब तक वो पैसा निकाल नहीं पाएगा। ये भी आप ऑन करके रख सकते हो। बाकी बच के रहो, मैं हमेशा से एक चीज कहता आया हूँ कि स्कैमर्स स्कैम तभी कर सकते हैं जब आप उनको परमिशन देते हो। अगर आप उनको परमिशन नहीं दोगे तो कोई भी हालत में कोई भी स्कैमर्स आपके साथ स्कैम नहीं कर पाएगा। इसलिए ध्यान रखो, अननोन कॉल वगैरह, अननोन मैसेज वगैरह पे ध्यान नहीं देना है, चाहे डिलीवरी एजेंट हो चाहे कोई भी हो। हम लोग क्या होता है ना, फ्री के चक्कर में बहुत कुछ भूल जाते हैं। जैसे मान के चलो आपने कोई सामान प्रोडक्ट ऑर्डर नहीं किया है और आपके पास डिलीवरी एजेंट का कॉल आएगा कि सर या मैडम आपने ये सामान परचेज ये सामान ऑर्डर किया था तो मैं आ गया हूँ, कहाँ पर देना है। आप सोचो अरे मैंने तो सामान ऑर्डर नहीं किया, लेकिन चलो कोई बात नहीं, फ्री में आ रहा, हो सकता है किसी और का सामान मेरे पास डिलीवरी हो गया, मजा ही आएगा, आप मस्त आप एकदम एक्साइटेड हो जाते हो दूसरे के सामान को यूज करने के लिए। बट यही चीज यहीं पर जो लोभ है, यही लोभ आपको बहुत बड़ा दिक्कत कर सकता है आगे चलकर। इसलिए आप इन सब चीजें बच करो। अगर आपने सामान परचेज किया है तो ही अगर डिलीवरी देने को कॉल आता है तो उसको आप अटेंड करो, वरना अटेंड मत करो। बाकी वीडियो को शेयर करो जितने भी रिलेटिव्स हैं, जितने भी आपके चाहने वाले हैं, ताकि सब चीज के बारे में पता चल सके, स्कैम के बारे में पता चल सके। लेटेस्ट स्कैम आई है तो हर किसी को जानना काफी ज्यादा जरूरी है। बाकी अगर आप चैनल पर नए हो तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरह का वीडियो हमेशा इस चैनल पर लाते रहता हूँ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।